हाय डियर फ्रेंड, आरआरबी जेई 2019 का ये जनरल साइंस का वीडियो है जिसमें बायोलॉजी का ये चौथा वीडियो हम देख रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फूड प्रोडक्ट। इनमें से कौन है जो प्राइमरी फूड प्रोडक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर वन का देखिए ऑप्शन दिया है, वेजिटेबल, मिल्क, सीरियल्स, फ्रूट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मिल्क। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी मिल्क। मिल्क इज द राइट आंसर। ठीक है, आपने ये क्वेश्चंस का आंसर इस तरह से लिखते जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द वेजिटेबल्स हैव एबंडेंस ऑफ विटामिन ए एंड सी। तो ए और सी किस में आएगा, ब्रिंजल है, लेडीज फिंगर, पोटैटो एंड टोमेटो। तो करेक्ट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टोमेटो। टोमेटो इज द एबंडेंस ऑफ विटामिन ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरिया। ठीक है, जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ह्यूमन बॉडी का डिफेंस करता है वो क्या है। ऑप्शन दिया है देखो, हीमोग्लोबिन, फेगोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन, फेगोसाइट्स, जो ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ये प्रोटेक्ट करता है, डिफेंस करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स कनेक्टेड फ्रॉम द आई टू ईयर्स। आई से ईयर्स को जो कनेक्ट करने वाले नर्व्स है उसको क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, सेरेबेलम। ठीक है, सेरेबेलम इज द राइट आंसर टू कनेक्ट द आई टू ईयर। ओके, ये नर्व्स हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए। ल्यूकेमिया इज अ डिजीज डैट रिजल्ट फ्रॉम सम काइंड ऑफ डिजॉर्डर इन द ब्लड। प्रिसाइजली ल्यूकेमिया अकर्स ड्यू टू, ऑप्शन दिया है हीमोग्लोबिन इंक्रीज इन ब्लड, मार्क इंक्रीज ऑफ वाइट कार्पोसेल्स इन ब्लड, मार्क इंक्रीज ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम, मार्क रिडक्शन ऑफ प्रोटीन इन ब्लड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, मार्क इंक्रीज ऑफ वाइट कार्पोसेल्स इन ब्लड। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स। व्हाट इज द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है। तो ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन देखिए, इट इज द प्रेशर डैट द ब्लड क्लॉट एक्सर्ट ओवर द ब्रेन। बी ऑप्शन है, इट इज द प्रेशर डैट ब्लड रिसीव एन अकाउंट ऑफ फॉल्टी कमांड्स फ्रॉम द ब्रेन। सी ऑप्शन, इट इज द प्रेशर डैट फैटनेस और ओल्ड एज एक्सर्ट ऑन द बॉडी इज सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड डी ऑप्शन, इट इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन द ब्लड एज अ रिजल्ट ऑफ द हार्ट पंपिंग फंक्शंस एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्ट्रियल वॉल्स। तो इसका क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट ऑप्शन है डी, इट इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन द ब्लड एज अ रिजल्ट ऑफ द हार्ट पंपिंग फंक्शन एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्ट्रियल वॉल्स। क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ डिसीजेज एंड इट्स कॉजेज। ठीक है, किसके कारण होता है और डिसीजेज हैं। देखो, ट्रिचिनोसिस जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, मतलब इसमें से जो करेक्ट है उसको पेयर को सिलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन है ट्रिचोनियस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्लीपिंग सिकनेस, ईटिंग अनकुक पॉक, एथलीट्स फूड फंगस, मैग्नेटाइज प्रोटोजोआ बाइट ऑफ सेट्स फ्लाई। ठीक है, टी सेट्स फ्लाई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर सेवन का वो है सी, एथलीट्स फूड, एथलीट्स फूड फंगस से होता है। बाकी सब क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, बाकी सभी क्या है जो दिए हुए, तो ये याद रखना है, एथलीट्स फूड जो होता है वो फंगस से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो एट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स डैट कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है वो वेसल, ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन दिया है, ओटा, पल्मोनरी आर्टरी, हेपेटाइटिक आर्टरी, पल्मोनरी वेन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर एट का वो है बी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नाइन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी अफेक्टेड बाई समोटोट्रॉफी हार्मोन। ठीक है, हार्मोन। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, बोन्स है, हेयर है, मसल्स है, कनेक्टिविटी टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू ये सब दिए हो ऑप्शन, और क्वेश्चन नंबर नाइन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बोन। ठीक है, बोन इज द राइट आंसर। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करता है कौन सा, सोमाटोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं. सिलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द डिसीजेज एंड इट्स अफेक्टेड पार्ट. मतलब डिसीज है और वो किस पार्ट को अफेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी को, वो भी बताया हुआ है. देखिए कैरिज दिया हुआ है. कैरिज वो एपिडर्मल टिश्यू ऑफ द बॉडी है. रिंग वर्म ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. मेनिंगटिस टीथ है. न्यूमोनिया लंग्स है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, न्यूमोनिया लंग्स. ठीक है, ये लंग्स को अफेक्ट करता है अगर न्यूमोनिया किसी को हो जाता है तो. बाकी सारे क्या हैं, रॉन्ग हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हमने बायोलॉजी के पार्ट 4 को देखा. इस तरीके से जितने भी बायोलॉजी के पार्ट आ रहे हो वो आप रेगुलर बेसिस पे देखते जाइए, ताकि बायोलॉजी जो हमारा जनरल साइंस है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल सके. ठीक है, ये देखिए ये जितने भी पॉइंट बता रहे हैं उसके जीके का ही पार्ट है, जीके भी बोल सकते हैं बट उससे रिलेटेड ही है. ठीक है, तो ये सभी पॉइंट याद रखना कि ताकि आपका वो जो जनरल साइंस का पार्ट है वो आपका कंप्लीट अच्छा हो सके. ठीक है, तो क्योंकि जनरल साइंस का 30 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, तो उसके बेसिस पे आप मेहनत करते रहिए ताकि आपका ये बेटर हो सके. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.